हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऊप्स प्लेसमेंट सीरीज। आई होप आपने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको इंटरफेस इंट्रोड्यूस करा था। हमने समझा था इंटरफेस क्या है, इंटरफेस कैसे काम करता है और कैसे हम इंटरफेस से अचीव कर सकते हैं रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। दिस इज आवर वीडियो नंबर 2 ऑफ इंटरफेस, जिसमें हम बात करेंगे कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म तो जावा में एब्स्ट्रैक्ट क्लास से भी अचीव हो जाता है, तो फिर क्या फर्क होता है एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास और एक इंटरफेस के बीच में, विच इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इंटरव्यू क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चंस बहुत पेटेंट होते हैं जावा इंटरव्यूज में, जो अधिकतर कंपनीज पूछती हैं, उस लिस्ट में ये क्वेश्चन बहुत टॉप पे आता है, इंटरफेस वर्सेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्योंकि दोनों सिमिलर टू वर्क हैं, दोनों का काम सेम है, दोनों का एम सेम है, तो फिर इनमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ये इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट के साथ। पॉइंट नंबर 1 इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप एब्स्ट्रैक्ट और नॉन एब्स्ट्रैक्ट दोनों तरीके के मेथड्स रख सकते हैं, जबकि इंटरफेस के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ रख सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड। हालांकि जावा 8 ऑनवर्ड्स ये फैसिलिटी आई है कि इंटरफेस में मेथड्स को बॉडी भी दी जा सकती है, बट उसके लिए आपको दो नए कीवर्ड्स यूज करने पड़ेंगे, या तो वो कीवर्ड होगा डिफॉल्ट और या तो वो कीवर्ड होगा स्टैटिक। अच्छा, एक और डाउट दिमाग में ये आता है स्टूडेंट्स के, इन दोनों का कंपैरिजन करते क्यों है? तो फ्रेंड्स, इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए करते हैं क्योंकि दोनों का एम एक ही है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास भी जनरली बनती है पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए, इंटरफेस भी जनरली बनता है पॉलीमॉर्फिज्म यानी रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म अचीव करने के लिए। तो क्वेश्चन तो ऑब्वियसली बात बनेगा कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताइए। जैसे नॉर्मली क्वेश्चन बनता है व्हाइल डू व्हाइल के बीच का डिफरेंस बताइए, स्विच और इफ के बीच का डिफरेंस बताइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट दोनों का सेम ही है, राइट? बिल्कुल ऐसे एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस का कॉन्सेप्ट सेम ही है, इसलिए डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो पहला डिफरेंस मैंने आपसे कहा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर का हर मेथड जरूरी नहीं है एब्स्ट्रैक्ट हो, हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास में बॉडी देकर भी मेथड्स को बना सकते हैं। इंटरफेस में जावा 8 से पहले हर मेथड एब्स्ट्रैक्ट हुआ करता था, मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, लेकिन जावा 8 ऑनवर्ड्स हमें नई फैसिलिटी मिली और हम इंटरफेस को बॉडी दे सकते हैं, मेथड्स को बॉडी दे सकते हैं, बट उसके लिए कीवर्ड लगेगा डिफॉल्ट और स्टैटिक। ये हुआ हमारा डिफरेंस नंबर 1। डिफरेंस नंबर 2, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिर्फ और सिर्फ किसी एक क्लास को इनहेरिट कर सकती है अगर करना चाहे तो, लेकिन एक इंटरफेस बहुत सारे इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकता है। एक इंटरफेस मल्टीपल इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकता है, और इसका उल्टा भी लीजिए कि अगर कोई क्लास किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट करती है तो बस वो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इनहेरिट कर पाएगी, लेकिन अगर कोई क्लास एक इंटरफेस इनहेरिट करती है तो वो बहुत सारे इंटरफेसेस को इनहेरिट कर पाएगी। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं कि इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस का सपोर्टर माना जाता है। तो अगर कोई आपसे जावा में बोलता है कि जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस होती नहीं है, कोई है वर्क अराउंड कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कर पाए? है, और वो वर्क अराउंड है कि हम अपने प्रोग्राम में यूज करें इंटरफेस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर नॉन फाइनल, फाइनल, नॉन स्टैटिक, स्टैटिक, हर तरीके का डेटा मेंबर रख सकते हैं, इंटरफेस में फैसिलिटी नहीं है। इंटरफेस के अंदर आप जब भी कोई डेटा रखते हैं वो बाय डिफॉल्ट स्टैटिक होता है, बाय डिफॉल्ट फाइनल होता है, बाय डिफॉल्ट पब्लिक होता है। आप उसे नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते, आप उसे नॉन फाइनल नहीं कर सकते, ये इंटरफेस का एक और इंपॉर्टेंट रिस्ट्रिक्शन है। नेक्स्ट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप जब भी चाहेंगे इंटरफेस को इनहेरिट करवा लेंगे। कैसे? एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप इनहेरिट्स ड्रॉएबल, सॉरी इंप्लीमेंट्स ड्रॉएबल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप इंप्लीमेंट्स ड्रॉएबल, लेकिन एक इंटरफेस किसी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता, ना एब्स्ट्रैक्ट क्लास को ना नॉर्मल क्लास को। समझिएगा, एब्स्ट्रैक्ट क्लास किसी इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है यूजिंग द कीवर्ड इंप्लीमेंट्स, इंटरफेस किसी क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता, ना नॉर्मल क्लास को ना ही किसी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को, राइट? नेक्स्ट, जब आप क्लास को एब्स्ट्रैक्ट बनाते हैं तो पर्पजली एब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ता है, स्पेशली मेंशन करना पड़ता है कीवर्ड एब्स्ट्रैक्ट, ये बताने के लिए जावा को कि जो क्लास बन रही है एब्स्ट्रैक्ट है। इंटरफेस में एब्स्ट्रैक्ट बोलने की आवश्यकता ही नहीं है, जावा खुद जानती है इंटरफेस का पर्पज ही है एब्स्ट्रैक्ट चीजों को इंप्लीमेंट करवाना, राइट? तो इंटरफेस के साथ एब्स्ट्रैक्ट नहीं लगाते, हालांकि इंटरफेस बनाने के लिए इंटरफेस कीवर्ड का यूज आप जरूर अपने कोड के अंदर करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरी क्लास को इनहेरिट कर सकती है, इंटरफेस को भी इनहेरिट कर सकती है, लेकिन एक इंटरफेस सिर्फ इंटरफेस को इनहेरिट कर सकता है। समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, क्लास इंटरफेस को इनहेरिट कर सकती है, इंटरफेस क्लास को इनहेरिट नहीं कर सकता, वो दूसरे इंटरफेस या इंटरफेसेस को इनहेरिट कर सकता है, राइट? मतलब अगर मेरे पास एक इंटरफेस I1 है, एक इंटरफेस I2 है, और मैं एक इंटरफेस I3 बनाता हूं फ्रेंड्स, तो I3 I1 को भी इनहेरिट कर लेगा, I3 I2 को भी इनहेरिट कर लेगा,
लेकिन आई वन आई टू होने क्या चाहिए, इंटरफेस होने चाहिए। यहाँ एक और पॉइंट जो स्लाइड में नहीं, मैं आपको बता दूं, इंटरफेस जब इंटरफेस को इनहेरिट करेगा तो इंप्लीमेंट्स नहीं लगाएगा, तब इन दोनों के बीच में लगेगा कीवर्ड एक्सटेंड्स। लेकिन जब क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करेगी तो कीवर्ड लगेगा इंप्लीमेंट्स। फिर सुनिएगा, जब इंटरफेस इंटरफेस को इनहेरिट करेगा तो इंप्लीमेंट्स नहीं लगेगा, कीवर्ड लगेगा एक्सटेंड्स। लेकिन जब क्लास इंटरफेस को इनहेरिट करेगी तो जावा का सिंटेक्स कहता है कीवर्ड लगेगा इंप्लीमेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो i3 इंटरफेस है ये चाइल्ड इंटरफेस हो जाएगा i1 i2 दोनों का, और ऐसा करने के लिए i3 एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ i1 i2 दोनों को करेगा इनहेरिट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास को आप एक्सटेंड्स कीवर्ड के साथ इनहेरिट करते हैं, बोल ही चुका हूं। इंटरफेस को आप इंप्लीमेंट्स कीवर्ड के साथ इनहेरिट करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर आप प्राइवेट प्रोटेक्टेड मेंबर भी रख सकते हैं, डिफॉल्ट भी रख सकते हैं। इंटरफेस के अंदर फ्रेंड्स जहां तक मेथड्स की बात है, मेथड्स होते हैं पब्लिक और एब्स्ट्रैक्ट। जावा 9 ऑनवर्ड्स इन मेथड्स के साथ प्राइवेट लगाने की इजाजत हो गई है, लेकिन जो डेटा होता है वो डेटा हमेशा इंटरफेस के अंदर आप लगाते हैं एज पब्लिक स्टैटिक एंड फाइनल। जबकि क्लास के अंदर जो डेटा होता है उसे आप पब्लिक करिए, प्राइवेट करिए, प्रोटेक्टेड करिए, जावा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास के मेंबर्स का एक्सेस मॉडिफायर आप बदल सकते हैं, इंटरफेस के मेंबर्स को आप कभी प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, वो पब्लिक होते हैं। आप प्राइवेट कर सकते हैं मेथड्स को, लेकिन ये फैसिलिटी भी कब से आई है, ये फैसिलिटी भी आई है जावा 9 ऑनवर्ड्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने का क्या तरीका है, ये है आपको एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड क्लास के साथ भी लिखना पड़ेगा, और अगर अंदर कोई मेथड एब्स्ट्रैक्ट बना रहे हैं तो मेथड को भी करना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। इंटरफेस के लिए एब्स्ट्रैक्ट मेंशन करना जरूरी नहीं है, आप चाहे तो लिख दें एब्स्ट्रैक्ट वॉइड ड्रॉ, चाहे तो सिर्फ लिख दें वॉइड ड्रॉ, ये अंडरस्टूड बात है कि अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट है। तो आई होप ये डिफरेंसेस ने क्लियर कर दिया होगा आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेस के बीच का फर्क। इन केस ऑफ एनी डाउट्स आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, विल बी हेल्पिंग यू आउट। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।